हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊ यादव सिंह। देखिए, आज का टॉपिक है महाशिवरात्रि का। परसों है महाशिवरात्रि, 8 तारीख को। मैं तो कल का समझ रही थी क्योंकि कल गुरुवार है और मुझे कल का दिन लग रहा था 8 तारीख, लेकिन 8 तारीख परसों फ्राइडे को है और फ्राइडे को महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि का पर्व हम सबके लिए बहुत मेन रहता है क्योंकि कहते हैं ना, माँ पार्वती जी की और मेरे भोलेनाथ जी की शादी हुई थी। लेकिन कुछ नियम रहता है जो हम लोग नहीं पालते हैं, उस नियम को पालेंगे तभी उस चीज़ का फल मिलता है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ऐसी बात है। तो ये वीडियो तो मैं हर साल बनाती हूँ और हर साल बताती हूँ। पता नहीं कितने लोग फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा काम है बताना क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, तो मुझे बताना है कि आपको कौन सी चीज़ों से कैसा करना चाहिए। उसके पहले मैं कहूँगी कि होली का वक्त आ रहा है। कल भी मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा मेरा मजाक बनाया, मतलब उन लोगों को लगता है कि मैं मजाक की चीज़ हूँ। पहले मुझे पूछा, माता जी मारण क्रिया करना है, ये करना है, किसी को पलंग पे सुलाना है, कितना पैसा, ये पैसा, ऐसे पूरी बातें करने के बाद बोले ठीक है, हमारे पास जब पैसा होगा तो हम बोलेंगे। कोई बात नहीं, जैसे करना है करिए। क्योंकि परसों महाशिवरात्रि है, होली का दिन तो हमारे लिए मैं नहीं, लेकिन महाशिवरात्रि का भी मैं दिन ऐसा रहता है कि उस दिन कुछ विशेष चीज़ों का शिवजी पे अर्पण करने से हमें बहुत सारे लाभ भी होते हैं और बहुत सारे लोगों को हम नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, ठीक है ना। और कहते ना, मारण मोहन का काम तो मेरा बहुत ज़बरदस्त चालू है, तो परसों की कुछ चीज़ों को हमें ध्यान देना है। मैं हर साल बताती हूँ, देखिए महाशिवरात्रि मतलब हमारे भोलेनाथ ने हमारी माँ पार्वती जी से शादी की थी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं महाशिवरात्रि के दिन, भोलेनाथ पे अन नर्सरी दूध दही मतलब बहुत सारे चीज़ों का वेस्टेज करते हैं जो नाली में बहते हैं, ऐसे नहीं किया कीजिए। हम लोग हर साल देखिए क्या करते हैं, महाशिवरात्रि के दिन जरूरी है दूध दही अर्पण करना चाहिए, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कीजिए ना। कितने लोग तो एकदम नदी के नदी बहा देते हैं, बल्कि उसके बदले महाशिवरात्रि के दिन दूध का प्रसाद करके लोगों में बांटिए, साबुदाने का प्रसाद करके लोगों में बांटिए। क्योंकि जो लोग उपवास रखते हैं, कुछ लोग एकदम दिन भर का फास्ट रखते हैं, तो उनके पेट में वो चीज़ जाएगा तो ज़्यादा फलेगा, जैसे हम करते हैं। मैं भी महाशिवरात्रि के दिन तो हर साल बांटती हूँ। मैं महाशिवरात्रि के दिन अपने हाथों से, बल्कि इस बार साबुदाना बना के ले जाऊँगी, लोगों में बांटूंगी, और मैं कभी दूध दही वेस्ट नहीं करती। तो कुछ चीज़ें जो नियम होते हैं वो ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले बोलूँगी होली आ रही है, होली की रात बहुत मेन है। मैं अभी भी यही कहूंगी, शक्तियों को इग्नोर मत करो, शक्तियों को अगर साक्षात्कार देखना है, क्योंकि इस बार शक्तियां साक्षात्कार आपके सामने कम से कम आधे घंटे के लिए आएंगी, आपसे प्रत्यक्ष होकर बात करेंगी और आपसे प्रत्यक्षीकरण से आपका काम करके देंगे। मैंने कल भी कहा था कि अगर किसी को सीखना भी है तो सीखने के लिए भी वो चीज़ें डाल सकते, अपने कोई भी शक्ति लेके आप उसको सीख सकते। कल भी मुझे किसी ने कहा था, माँ हमें सीखना है। अब एक एक जन क्या कहते हैं, माँ प्लीज़ मैं गरीब बंदा, आप मुझे सिखा दीजिए। सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े मारवाड़ी लोगों की दुकान पे लिखा रहता है ना, प्लीज़ यहाँ उधारी बंद है ना, कृपया उधारी मांगने से पहले अपनी इज्जत का ख्याल रखिए। तो ऐसी कोई भी चीज़ मांगने से या बोलने से पहले अपना ध्यान रखो। कुछ लोगों ने मारण क्रिया का काम चालू करा के मारण क्रिया का अपमान किया, काम तो हो गए, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि मैं यहाँ पे जिन लोगों का करती हूँ उनका रिजल्ट आ जाता है, मौत की खबर आ जाती है, और आप लोग ऐसे बोलेंगे तो ऐसा होता नहीं है ना। कुछ लोग ऐसे इग्नोर करने लगते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। अभी क्या किया है मैंने, जिन लोगों ने मारण क्रिया चालू करा के इस तरह से हरकत की है, हालांकि उनकी तबीयत खराब हो चुकी है, तो आप लोगों ने जो मारण क्रिया का अपमान किया है उसका नतीजा तो आपको होली के दिन मिलेगा। कल भी मैंने जो वीडियो बनाया था, जिन जिन लोगों का नाम लिया था कि इन इन लोगों ने पूजा पाठ का मजाक बनाया, उनकी तो होली में अभी उसका मारण क्रिया तो पक्का है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे कारनामे होते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन राई का तेल बहुत ही तीखा होता है और बहुत ही कड़वा होता है और बहुत आँख में लगता है, बहुत जलता है। तो अगर हमें अपने दुश्मन को सबक सिखाना है, या उसे कहते हैं ना ऊपर पहुँचाना है या एक्सीडेंट करवाना है, तो महाशिवरात्रि से पर्व जैसा कोई पर्व नहीं रहता। उस दिन हम कुछ आपके नाम से ऐसी पूजा करेंगे कि उसको राई के तेल को जब अर्पण करेंगे, तब अर्पण करने के बाद आप देखोगे मात्र 24 घंटों में ही आपका दुश्मन के साथ जो होना है वो हो जाएगा, ऐसा है। दूसरी बात, महाशिवरात्रि के दिन आप लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं, माँ पार्वती की पूजा नहीं करते, ऐसा नहीं कीजिए। भोलेनाथ को आपको जो अर्पण करना करिए, क्योंकि माँ और पार्वती जी की शादी हुई थी, हमारे माँ पिता की शादी हुई थी, माँ दुर्गा की शादी हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब उन्हें जिस तरह से आप मंदिर में जाते हैं, मैं नहीं बोलूंगी कि भाई यथाशक्ति, आपकी यथाशक्ति जिस तरह से आप दूध दही बेलपत्र का इंतजाम करते, वैसे एक सुहाग का पैकेट नहीं ज्यादा हो तो एक चुंदरी माँ को चढ़ा दीजिए, है ना, माँ को चुंदरी चढ़ा दीजिए। क्योंकि शिवलिंग जहाँ रहता है वहाँ माता रानी भी बैठती है। आपको पता है शिवलिंग पे माँ पार्वती, उनका पूरा परिवार रहता है, जो किशोर कहते हैं ना,
जहाँ पे माँ शिव जी का शिवलिंग रहता है वहां पे ये जगह रहती है जहाँ पे कहते हैं ना जहाँ से दूध की धारा भरती है, कहते हैं ना वहां पे अगर हम बेलपत्र रख के अगर कुछ भी मन्नत मांगे तो, क्योंकि उस जगह पे माँ पार्वती कहते ना गणेश जी कार्तिकेय जी पूरा परिवार बैठा रहता है, तो हम सबका अपमान करते हैं एक तरह से उनको न पूछ के। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कर सकते हैं, माता रानी को एक चुंदरी तो चढ़ाइए एटलीस्ट। हम जैसे हर बात पे कहते हैं ना जन्मदिन आता है तो कृष्ण जी के जन्मदिन पे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, तो हम माता रानी को शादी की सालगिरह तो विश कर सकते हैं, तो इससे हमें बहुत प्रताप मिलता है। दूसरी बात, इस दुनिया में आप शिव जी को कुछ मत चढ़ाओ, वो नहीं कहते मुझे, क्योंकि वो शमशान निवासी है, आप उन्हें दूध दही अर्पण मत करो चलेगा, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है शमशान की राख। शमशान की राख अगर आपने शिवलिंग पे लपेट दी, आप ये याद रखिएगा आप जब तक जिएंगे, जब तक इस कलयुग काल में रहेंगे तब तक आपके पास कभी धन की कमी नहीं होगी, आपका दुश्मन कभी आपके आगे नहीं आएगा, और कभी भी आपके आने के आगे सोचेगा तो भगवान उसी को उसी मिट्टी में मिला के खत्म कर देंगे ऐसा। दूसरा एक और सबसे बड़ा बात है कि कहते ना कि भगवान ओम नमः शिवाय हरि, हरि बिन शिव ने शिव बिन हरि ने, तो बेलपत्र के पत्ते पे राम राम, चंदन से राम राम लिख के, अगर शिव जी के शिवलिंग पे राम राम लिख के एक से एक बेलपत्र का अभिषेक किया जाए ना, तो बस समझ लो कि इस दुनिया को आप तर गए। मतलब कितना भी बड़ा खून किया हो, पाप किया हो, चोरी चकारी की हो, लेकिन उस एक पुण्य से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। राम नाम में ही इतना बड़ा पाप, कहते हैं राम नाम में ही इतना बड़ा प्रताप है कि दुनिया सिर्फ कहते ना राम नाम से ही तर जाती है, राम नाम से तो पत्थर तैरने लगते हैं, तो सोचे अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो क्या होगा। राई का तेल चढ़ाने से कहते हैं कि दुश्मनों का सर्व विनाश होता है, लेकिन उसकी एक विधि रहती है, ऐसे आप जाके राई का तेल चढ़ा दिए नहीं, उसके लिए बकायदा मंत्र किया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने के लिए हरी मूंग चढ़ाया जाए, तो हरी मूंग ये वो लाल मसूर ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इससे अच्छा सवा पाव कड़धान्य, सवा पाव कड़धान्य को अगर हम दही में थोड़े से दही में मिक्स करके और उसको शिवजी पे चढ़ाओ, तो ना तो जिंदगी में आप पे कर्जा रहेगा, ना कभी आपका दुर्भाग्य होगा, सौभाग्य में बदल जाएगा, जो आपके काम धंधे रुकेंगे वो सब निकल हो जाएंगे। भांग, शिवजी को भांग बहुत प्रिय है, भांग चढ़ाने से ये होता है कि उनको सबसे बड़ी चीज़ गिफ्ट करते हैं हम, जैसे हम शादी का गिफ्ट करते हैं ना, वैसे भांग चढ़ाने से उन्हें गिफ्ट मिलता है एक तरह से, ठीक है। दूध दही चढ़ाना चाहिए, दूध दही चढ़ाते समय दूध में थोड़ा सा पानी डालिए, पूरा दूध मत ओ कीजिए, दूध दही चढ़ाने से उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल के चढ़ाने से हमें संतान की प्राप्ति होती है, कहते ना दुर्भाग्य हमसे दूर जाता है, कहीं पैसे पानी रुके वो हो जाते हैं। शहद, ये प्यार करने वालों के लिए, जैसे बहुत कहते ना कि बहुत सारे जने गाना गाते हैं ना, जब तक जिएंगे सिर्फ तेरे लिए जिएंगे, आज की तारीख में सिर्फ एक दिन का डायलॉग है, तो उनके लिए यह है प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए शहद, शहद की बॉटल अगर शिवजिंग पे लपेटो आप, अशोका उधर से शिवजी के शिवलिंग से लेके अशोका तक अगर आप लपेटते हो, तब आप ये याद रखिए कि आपका प्यार आजीवन के लिए आपके कदमों में रहेगा, आप उसे लात मार के भगाओगे तो भी नहीं भागेगा, ऐसी बात है, उसके लिए भी मंत्र किया जाता है। और उसके बाद आता है गन्ने का रस, अब गन्ने का रस एक ऐसा चीज होता है कि गन्ने के रस में माँ लक्ष्मी का, गन्ने में माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो गन्ने के रस से अभिषेक करने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आजीवन हमें कभी धन की कमी नहीं होती है, ऐसी बात है। एक बात जरूर याद रखिए, जब हम महाशिवरात्रि की पूजा करते हैं तो सिर्फ हमें ये सब चढ़ाने से मतलब नहीं होता, ये सब हम अपने स्वार्थ के लिए चढ़ाते हैं, ठीक है, ये हमारा स्वार्थ है, लेकिन हमने भगवान के लिए क्या किया, तो भगवान के लिए करना चाहिए कि माँ पार्वती और मेरे भोलेनाथ की शादी है, तो हमें पिता को पीले वस्त्र का दान करना चाहिए, मतलब धोती, पीले वस्त्र, पीला धोती लेके आप उनके नाम से भगवान शिवलिंग को टच करके एक पंडित को दान कर दीजिए, उस दिन दान धर्म बहुत बड़ी चीज़ होती है। रात भर ओम नमः शिवाय हरि का जप करना चाहिए। सुंदर कन्या को अगर अच्छा वर चाहिए तो उस दिन एकदम, मतलब कहते हैं ना माँ पार्वती के जैसे कुंवारी लड़की, जैसे माँ पार्वती भोलेनाथ के लिए 16 श्रृंगार करके सज धज के खड़ी थी, उस तरह से सज धज के पूरी तरह से सर से पांव तक, हाथ में मेहंदी, बाल में गजरे, माथे पे बिंदिया, एक अलग अद्भुत श्रृंगार करके जब हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो मन चाहा वर प्राप्त होता है, समझे। विधवाओं के लिए ये पूजा वर्जित है, बहुत सारी विधवा औरत जाके जल अभिषेक करती, बिल्कुल मत कीजिए। महाशिवरात्रि के दिन कृपया आप पूजा नहीं करिए, क्योंकि उस दिन सौभाग्य की बात होती है। दूसरा, उस दिन महाशिवरात्रि के दिन माँ को सिंदूर, माँ पार्वती जी को, अब जो हमने शिवलिंग पे अशोका
किन है, क्योंकि कहते हैं ना गोलाई में जो है माँ पार्वती है, जब उनकी उनको सिंदूर अर्पण करके अपने माथे पे सिंदूर लगाइए, हमारा सिंदूर लगाने से हमारा सौभाग्य अखंड रहता है आजीवन। हम यही विनती करके सिंदूर लगाते कि माँ सुहागनी मारना, दुर्भाग्य मत देना, ऐसा ये होता है। तो ये काम जरूर कीजिए। उसके बाद एक और पूजा, ये पूजा होती है कि जब हम भगवान के लिए करते हैं तो हमें दान धर्म करना चाहिए। जैसे अभी हम लोग करते हैं, जैसे अभी कितने लोग दूध दही अर्पण करके बेकार कर दे, ऐसा नहीं कीजिए। आपको लगता है ना शिव जी को दूध चढ़ाना, थोड़ा सा दूध चढ़ाइए, बाकी दूध में आप कुछ भी दूध मसाला बना के जो लोग आके मंदिर में आते हैं उन्हें प्रसाद दीजिए, बच्चों को दूध बांटिए, है ना, ये सबसे बड़ा पुण्य होता है। ये फिर हमें भगवान को हम गिफ्ट अर्पण करते हैं। भगवान कहते हैं ना तूने हमारे लिए क्या किया, तो हम तो भाई भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्या देंगे हम, सब तो भगवान ने नहीं दिया हुआ है। उसके बाद हो सके तो आप जैसे अभी हम लोग साबुदाना होता है ना, साबुदाना या आलू बनवा के सबको दान करते हैं, वो दान कीजिए, बहुत अच्छा फल मिलता है, ऐसी बात है। हनुमान जी शिव जी का रुद्र अवतार है ना वो, तो हनुमान जी को बिल्कुल मत भूलिए उस दिन महाशिवरात्रि के दिन। हो सके तो एक चौमुखी दिया लगाइए हनुमान जी के सामने और एक ही मंत्र जपिए, ओम हनुमते नमः। उससे आपके जो भी अपने पर शनि प्रभाव होता है वो निकल जाता है। कहते हैं ना जो अभी एक मंत्र है, ओम हनुमते रुद्र अवतार है शत्रु संहारण है सर्व विश्व वशीकरणा है ओम राम दूताय स्वाहा। तो मतलब कहता है ना कि जैसे ना हम जो बोलते हैं कि कवन काज, कि एक बार जो शिव, देखिए मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि एक भी शब्द गलत होता है तो भगवान का अपमान होता है, तो कैसे जबान लड़खड़ाती है, तो जो चीज़ नहीं आती मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन हनुमान जी की कुछ चौपाइयाँ हैं वो पढ़ लीजिए, नहीं तो हो सके तो सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, बहुत अच्छी बातें होती है। और ये है कि शिव जी के लिए हम तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बहुत कम है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें करने से अच्छा शिव जी को शमशान की राख लपेट दीजिए, जो दूध दही शक्कर है गरीबों में बांट दीजिए, कुछ दान पुण्य कीजिए और माँ को सिंदूर अर्पण करके एक चुंदरी चढ़ा दीजिए। आपका सौभाग्य हमेशा अमर रहेगा, आप सदा सुहागन रहेंगी। और यही बोलिए कि माँ जब तक जीव तब तक माथे पे चंद्रमा के जैसा ये सिंदूर चमकता रहे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये है महाशिवरात्रि के पर्व की नियम, ठीक है, ये कीजिए। देखिए आपके घर में अगले, कहते हैं ना आपकी जो भी इच्छा रहेगी अगली महाशिवरात्रि आने आने तक सारा कुछ आपका पूरा होगा, ठीक है। जय माता दी।